हेलो एवरीवन, दिस इज हीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और नॉर्मली भी हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सेक्शन 2C जो है CRPC का, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। और 2C कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense and cognizable case means a case in which police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant। yani ki cognizable offenses wo offenses hote hain jisme police ke paas power hoti hai to arrest without warrant। okay, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल होंगे और कौन से कॉग्निजेबल नहीं होंगे? तो ये सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ऑफेंसेस की लिस्ट दी है और उसमें क्लियरली लिखा है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होंगे। मगर जनरली जो ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों पुलिस को पावर दे दी है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं, अगर किसी ने मर्डर कमिट किया है तो अक्यूज्ड के भागने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर पुलिस वारंट का वेट करेगी तो हो सकता है कि वो अक्यूज को ना पकड़ पाए टाइम पे। तो इस तरीके की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए लॉ में पुलिस को पावर दी गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का उसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है उसको क्लियरली लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स मर्डर, किडनेपिंग, रेप, ये सारे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, तो ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आए हैं। तो अगर पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई कंप्लेन आती है जिसमें उनके मर्डर या किडनेपिंग, रेप का कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसा उन्हें पता चलता है, तो वो इमीडिएट अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें वारंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2L अगेन सीआरपीसी में डिफाइंड है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पुलिस के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल चीटिंग, डेफेमेशन, असोल्ट या कॉजिंग मिसकैरेज, सेक्शन 312 IPC का ऑफेंस है, अगर ऐसे किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो यहाँ पे पुलिस के पास पावर नहीं है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट से पुलिस को पहले वारंट इशू कराना होगा और उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जुडिशरी में तो इसका सेक्शन नंबर पूछते हैं, इट्स इजी टू रिमेंबर आल्सो कॉग्निजेबल सी फॉर कॉग्निजेबल एंड सेक्शन 2C, 2 में सारी डेफिनेशन दी है। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये डिफरेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज ज्यादातर सीरियस नेचर के ऑफेंसेज होते हैं और उसमें पुलिस के पास पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज नॉन सीरियस नेचर के ऑफेंसेज होते हैं और यहाँ पे पुलिस को वारंट लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से, क्योंकि यहाँ पे वेट किया जा सकता है। नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसा है कि पुलिस कैन वेट फॉर द वारंट हियर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और ये जो डेफिनेशंस है वो सीआरपीसी में दी हुई है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंस बिटवीन बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सेक्शन 2A जो है सीआरपीसी का वो डिफाइन करता है bailable offences means an offence which is shown as bailable in the first schedule। तो first schedule जो है सीआरपीसी का उसमें list of offences दी हैं, फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि वो offence cognizable है या non cognizable है, और ये भी लिखा हुआ है कि वो offence bailable है या non bailable है, ठीक है, और which is made by any other law for the time being in force, जिसको अभी bailable रिसेंटली अगर किसी लॉ ने बनाया है तो वो ऑफेंस भी बेलेबल माना जाएगा।
एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस. तो जो बेलेबल ऑफेंस होंगे वो क्लियरली लिखा हुआ है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे वो भी फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है. अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में अमेंडमेंट की है, तो वहां पे जो ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल बना दिया. ओके, तो ये क्या है, एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में भी अगर किसी ऑफेंस को बेलेबल या नॉन बेलेबल बना दिया गया है तो उसको भी हम लोग इसी डेफिनेशन में मानेंगे. अब यहां से जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं हुई है कि बेलेबल का मतलब क्या है या नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, तो उसको समझते हैं. बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे बेल मिलना अक्यूज्ड का राइट होता है. ठीक है, तो अगर कोई बेलेबल ऑफेंस हुआ है और अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन लाया गया है, तो जो जो बेल मिलना है वो उसका राइट है, उसका अधिकार है. यानी उसको बेल पुलिस स्टेशन से भी अगर बॉन्ड साइन कराने वाला है तो बॉन्ड साइन हो जाएगा, और अगर कुछ अमाउंट पे करना है बेल पे तो वो पे कर देगा और वहीं के वहीं उसको बेल मिल जाएगी. तो यहाँ पे बेल मिलना जो अक्यूज्ड है उसका राइट है, यानी एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ पे बेल मिलती है बेलेबल ऑफेंस. तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस बेल नहीं देती है और कन्फाइन करके रखती है अक्यूज्ड को, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस माना जा सकता है. ओके, तो बेलेबल ऑफेंस का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि वो ऑफेंसेस जहां पे अक्यूज्ड को बेल मिलना उसका अधिकार है, एज अ मैटर ऑफ राइट उसको बेल मिलेगी, और उसको वो पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है जिसने उसको कस्टडी में लिया है. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जनरली अगर किसी से हम पूछें कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो जनरली लोग कहते हैं जिसमें बेल नहीं मिलती. ये ऐसा नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिल सकती है, मगर नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट, इट्स नॉट अ राइट. यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है. जैसे मर्डर, मर्डर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो अगर कोई अक्यूज्ड है उसको मर्डर के ऑफेंस के लिए अक्यूज किया गया है, उसका अरेस्ट हुआ है, तो उसको बेल मिलना उसका राइट नहीं है. मगर ऐसा नहीं है कि उसको बेल मिल ही नहीं सकती, उसे कोर्ट जाना पड़ेगा. मजिस्ट्रेट के पास जब वो आएगा तो फैक्ट्स को देखकर, जो अक्यूज्ड है उसका बैकग्राउंड देखकर, सारी सिचुएशन देखकर, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेल ग्रांट की जा सकती है तो कोर्ट बेल दे देगी. नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है, बट नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट. कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. तो ये डिफरेंस है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में. बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलती है अक्यूज्ड को एज अ मैटर ऑफ राइट, उसको मिलनी ही है, यानी कोर्ट उसकी बेल को रोक नहीं सकती. नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती, कोर्ट का डिस्क्रिशन है. अगर कोर्ट को लगेगा केस के फैक्ट्स को देखकर, अक्यूज के बैकग्राउंड को देखकर, उसके स्टेटस को देखकर लगेगा कि नहीं यहाँ पे बेल दी जा सकती है, तो वहां पे कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके बेल ग्रांट कर देगी. ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिन ऑफेंसेस में अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. ठीक है, वो ऑफेंसेस जिसमें अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उनको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, उनको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं. जो सेक्शन 320 है सीआरपीसी का, उसमें लिस्ट दी हुई है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कौन से कंपाउंडेबल नहीं है. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जनरली उन ऑफेंसेस को बनाया गया है जो प्राइवेट नेचर के होते हैं, जैसे डेफेमेशन हो गया, अडल्ट्री हो गया. अडल्ट्री तो अब ऑफेंस ही नहीं रहा, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, तो वो होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं. मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं. इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता पार्टीज के बीच में,
यानी अक्यूज और कंप्लेनेंट के बीच में इन जैसे जो सीरियस ऑफेंसेस हैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो उनको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला गया। और कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, कौन से नॉन कंपाउंडेबल हैं, ये भी क्लियरली लिखा हुआ है। द लिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी जो हैं, जो सीआरपीसी की लिस्ट में दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 320, वो दो तरीके से हो सकते हैं, विद परमिशन विदाउट परमिशन। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी है, जैसे थेफ्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ऑफेंसेस हैं जहां पे अगर कंप्लेनेंट और अक्यूज कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिंपल हर्ट है, डेफेमेशन है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस है उसमें कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसने कोर्ट की परमिशन लेनी है, किसने कोर्ट की परमिशन नहीं ली है, तो ये भी सेक्शन 320 सीआरपीसी में कवर किया हुआ है। तो 320 में लिस्ट है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, कौन से नॉन कंपाउंडेबल हैं, और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी कॉम्प्रोमाइज कौन कर सकता है और कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ 320 सीआरपीसी में दिया हुआ है, जिसको हम अपनी अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। मगर आज सिर्फ डेफिनेशन समझते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि ये वो ऑफेंसेस होते हैं जनरली जो सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास अथॉरिटी है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सेक्शन 2 से सीआरपीसी में वो डिफाइंड है। सेक्शन 2 एल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइंड है, यहाँ पे पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस को वारंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अरेस्ट किया जा सकता है। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें अक्यूज्ड को बेल मिलती है एज अ मैटर ऑफ राइट, उसका हक है उसको बेल मिलना। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में उस बेल मिलना उसका हक नहीं है। बेल मांग सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। कोर्ट फैक्ट्स को देखेगी, केस के अक्यूज्ड को देखेगी, और फिर लगेगा कि बेल ग्रांट की जा सकती है तो करेगी, अदरवाइज डिनाई भी हो सकता है। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी वो ऑफेंसेस जिसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है या जिनमें नहीं किया जा सकता। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, नॉन कंपाउंडेबल में नहीं किया जा सकता। और लिस्ट कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कौन से नॉन कंपाउंडेबल है, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में दिए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।